हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं बिना किसी तरीके के नोजल का इस्तेमाल किए बहुत ही शानदार सी एक चॉकलेट केक की डेकोरेशन आपको दिखाने वाली हूँ। तो बहुत ही हटके डिज़ाइन बनकर के हमारा ये तैयार होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज बनाया, उसकी गनाश से और चॉकलेट क्रीम से मैंने लेयरिंग की है और चॉकलेट क्रीम से ही मैंने इसके ऊपर आइसिंग भी की है। और अब ब्रश की मदद से मैं इसके साइड में और इसके ऊपर ये टेक्सचर दे रही हूँ। काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। आप चाहें तो ज़िगज़ैग स्क्रैपर या फॉक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आइसिंग हमारी परफेक्टली हो गई है। अब मैंने न्यूट्रल जेल के अंदर ब्राउन कलर मिक्स किया है और उसे एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर ट्री बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं हाफ सर्कल से एक पहले तो ट्री का स्टेम बना रही हूँ। पहले मैंने एक लाइन बनाई है सेंटर से केक के नीचे तक, और फिर इसे थोड़ा थोड़ा मोटा करके मैं एक पेड़ का स्टेम बनाऊंगी मोटा सा। तो आप चाहें तो इसके लिए चॉकलेट मेल्ट करके भी ले सकते हैं, पर मैं न्यूट्रल जेल से ही ये बना रही हूँ। और अब ऊपर के पार्ट में मैं इसी स्टेम से छोटी छोटी ब्रांचेस निकालूंगी और फिर इन ब्रांचेस के ऊपर ही हम लीव्स बनाएंगे। तो आपको अच्छे से ब्रांचेस इसकी बनानी है, थोड़े थोड़े गैप्स में। हर ब्रांच के आगे से पीछे से आप थोड़ी छोटी छोटी ब्रांचेस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, केक का बेस भी रेडी हो गया है और ब्रांचेस भी बन गई हैं। अब इसी न्यूट्रल जेल से मैं केक के नीचे की तरफ सिंपली एक लाइन बना दूंगी इस तरीके से, और इसी लाइन से ऊपर की तरफ आते आते हम ये छोटी छोटी लाइंस भी बनाएंगे, जिससे कि हमारे केक पर एक बहुत ही रियलिस्टिक सा टेक्सचर आ जाएगा। आप चाहें तो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए और भी अच्छे अच्छे इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं, बट मैं यहाँ सिंपली ये नीचे लाइन्स बना रही हूँ थोड़ा सा ओरिजिनल लुक देने के लिए। तो पूरे केक के सर्कल पर हम ऐसे ही लाइन्स बना लेंगे। तो देखिए, हमने ये पूरे केक पर बना लिया है। अब मैंने फ्रेंड्स ब्लू कलर की क्रीम ली है पाइपिंग बैग में और उसमें उल्टा वी कट दिया है, जैसे हम लीव्स वगैरह बनाते हैं वैसे ही। और अब जो हमने ब्रांचेस बनाई हैं वहाँ पर हम ये लीव्स बनाएंगे। मैंने फ्रेंड्स ब्लू कलर इसलिए लिया है ताकि चॉकलेट केक पर ये अच्छे से ब्राइट दिखे। तो यह देखिए, जगह जगह पर मैं ये ब्लू कलर की लीव्स बना दूंगी। बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन लगता है फ्रेंड्स। इसे आप अपने फादर्स डे के लिए बना सकते हैं या अपने फादर के बर्थडे के लिए बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक सी ये थीम है। तो यहाँ देखिए, जगह जगह पर मैंने ब्लू कलर की लीव्स बना ली हैं। अब ऐसे ही जो हमने ब्लू कलर की लीव्स बनाई हैं, वैसे ही हम पिंक कलर की लीव्स भी बनाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हुए मैंने ये कलर चूज़ किया है। आप अपनी च्वाइस से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ हमने ब्लू कलर की लीव्स बनाई हैं, ठीक उसी के आगे मैं ये पिंक कलर की लीव्स भी बना दूंगी। तो यहाँ देखिए, केक कितना सुंदर और अलग सा लग रहा है। हमें फ्रेंड्स पूरी ब्रांचेस को इन लीव्स से फिल करना है। तो बारी बारी मैं ब्लू और पिंक कलर की क्रीम को लेते जा रही हूँ और जहाँ भी स्पेस मुझे ब्रांचेस में लग रहा है वहाँ पर मैं ये लीव्स बना देती हूँ। तो लीव्स तो हमने देखे सभी में बना दिए हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ी सी मैं ब्रांचेस और निकालूंगी, क्योंकि ब्रांचेस हमारी थोड़ी मुझे कम दिख रही हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर भी मुझे थोड़ी थोड़ी गैप्स दिख रहे हैं वहाँ पर मैं ये ब्रांचेस बना रही हूँ, और थोड़ी थोड़ी लीव्स हम इन ब्रांचेस पर भी बनाएंगे ताकि हमारा केक का जो ऊपर का बेस है वो ऑलमोस्ट कवर भी हो जाए और सुंदर भी लगे। और अब मैं दोनों कॉम्बिनेशन से फिर से लीव्स बना देती हूँ इन पर। तो ऊपर का बेस तो फ्रेंड्स हमारा रेडी हो गया है। अब नीचे की तरफ मैं स्टेम थोड़ा सा और मोटा करूंगी और इस स्टेम से निकलती हुई कुछ रूट्स भी मैं अपने केक बोर्ड पर बनाऊंगी, जिससे कि हमारा जो डिज़ाइन है वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। तो यहाँ देखिए, छोटी छोटी रूट्स मैंने केक बोर्ड पर ही बना ली हैं। बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट हमारे केक पर आ रहा है। अब थोड़े से बोर्ड पर भी मैं यहाँ पर ब्लू और पिंक कलर की लीव्स भी बना दूंगी। ऐसा लगेगा जैसे पेड़ से कुछ पत्ते नीचे भी झड़ गए हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये सुंदर सा और यूनिक से डिज़ाइन वाला चॉकलेट केक बनकर के रेडी है। आप चाहें तो इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे या जिस भी ओकेशन के लिए केक बना रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपर भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, ये यूनिक से कॉम्बिनेशन वाला और यूनिक सा डिज़ाइन, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। आज का डिज़ाइन, आज का वीडियो, आज का मेथड अगर आपको पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर बार कुछ नया देख करके सीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहाँ भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।